जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में धनतेरस की कथा सुनेंगे, जो कि आज के दिन सुनना बड़ा ही शुभ होता है। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। इसलिए आप लोग लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो इस कथा को कह रहा है, जो इसमें हुंकार भर रहा है और जो इस कथा को सुन रहा है, सबके ऊपर माता धन्वंतरी और कुबेर देवता की कृपा सदैव बनी रहे, उनके घर का भंडार हमेशा भरे रहे। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि हमें 29 अक्टूबर को मिल रहा है। दिन है मंगलवार। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय माता धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुई थी, इसी कारण इस तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। माता धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसलिए आज के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेनी चाहिए। अब चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके तीन बेटे थे। साहूकार बड़ा ही धर्मात्मा था। रोज सुबह उठकर स्नान ध्यान करता था और सूर्य को जल देता था तथा माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करता था। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के साथ साथ हम नारायण की पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि तथा शांति आती है। साहूकार की जिंदगी बड़े ही आराम से चल रही थी। साहूकार को साफ सफाई बहुत ही पसंद था, लेकिन साहूकार ने बड़ी आलसी थी। वो ना तो सुबह जल्दी उठती थी और ना ही साफ सफाई पर ध्यान देती थी। घर में झाड़ू पोछा तक नहीं करती थी। साहूकार उसे बहुत समझाते कि घर को हमेशा साफ सफाई ही रखना चाहिए, लेकिन साहूकारनी पर कोई असर नहीं होता था। साहूकार समझाकर काम पर चला जाता था, लेकिन साहूकारनी रोज बहाना बनाकर टाल देती थी। कहती थी, मेरी तो सुबह में नींद ही नहीं खुलती है। और इस प्रकार से साहूकार की पत्नी साहूकार की बातों को टाल देती थी। ना तो वह सुबह उठकर स्नान करती, ना ही बच्चे को स्नान कराती थी। उसका घर बहुत ही गंदा रहता था। पड़ोस की औरतें भी उस घर में नहीं आती थी, क्योंकि साहूकारनी घर को साफ सफाई नहीं रखती थी। और बच्चे भी मैले कपड़े में रहते थे। पड़ोस के बच्चे भी उनके बच्चे के साथ नहीं खेलते थे। धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता आने लगे। साहूकार का काम धाम भी ठप हो गया। साहूकार समझाते थे, तेरे साफ सफाई नहीं करने के कारण ही हुआ है ये सब। फिर भी साहूकारनी पर कोई असर नहीं हुआ। तब साहूकार ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे माता, आप ही इसे सद्बुद्धि दे तो एक दिन तो चमत्कार ही हो गया। तब एक दिन साहूकार ने बाजार से सामान खरीदकर आ रही थी, लेकिन बाजार से आते आते उसे अंधेरा हो गया, लेकिन वो हाथ में लमटेन लेकर के गई थी। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिली और कहने लगी कि मैं यहाँ अकेली हूँ। और वो कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थी। और कहने लगी कि लक्ष्मी, अपनी लमटेन दिखा करके मेरा रास्ता दिखाओ, तेरा बड़ा एहसान होगा। तभी साहूकार ने बोली, मैं आपको आज से पहले कहीं नहीं देखा। कहाँ से आई हैं? क्या नाम है? तब माता लक्ष्मी बोली, मेरी नाम लक्ष्मी है। पास के गांव में आई हूँ। इस गांव में मेरी बड़ी बहन का ब्याह हुआ है। तभी साहूकारनी ने लमटेन दिखा करके रास्ते पार करा दी। दोनों आपस में सहेली बन गए। तब माता लक्ष्मी बोली, बहन तुम कभी मेरे घर आना। साहूकारनी को अपने घर का पता दे करके चली गई माता लक्ष्मी। अगले दिन साहूकारनी माता के घर गई तो उसने वहां देखा कि घर में बड़ी साफ सफाई है। माता ने कहा, बहन घर हमेशा स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। साफ सफाई रखने से घर में बरकत होती है। तब साहूकारनी बोली, मेरे घर में ऐसी साफ सफाई नहीं रहती है।
फिर भी आप मेरे घर एक दिन आओ। तब साहूकारनी के कहने पर माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर गई तो उसके घर में माता लक्ष्मी ने देखी कि ना तो घर में झाड़ू पोछा किया था और ना ही साफ सफाई किया था, बच्चे भी मैले कपड़े पहने थे। तब माता लक्ष्मी बोली, बहन चलो पहले घर साफ सफाई करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि घर कैसे साफ रखा जाता है। माता ने बताते गई और साहूकारनी ने पूरे घर की साफ सफाई की और स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहना और बच्चे को भी साफ कपड़े पहनाई। फिर चूल्हा चौका किया और माता लक्ष्मी के लिए भोजन भी बनाई। ये सब देख करके माता लक्ष्मी रोज साहूकारनी के घर आने लगी थी। ये सब देखकर साहूकार बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसका कारोबार भी चलने लगा। जब साहूकार की हालत ठीक होने लगी तब साहूकार की पड़ोसन रोज देखती कि ये साहूकार के घर कौन औरत रोज आती है। तब एक पड़ोसन आकर पूछती है, ये कौन सा सहेली तुम बनाई हो जो तुम्हारे साफ सफाई कराती है। तब साहूकारनी बोली, ये सब मुझे माता लक्ष्मी ने सिखाई है। तब पड़ोसन बोली, जब वह कल आए तो मुझे मिलवाना। साहूकारनी बोली, ठीक है कल मिलवा दूंगी तुमसे। अगले दिन जब माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर आई तो साहूकारनी बोली, बहन लक्ष्मी तुम आज मेरे घर में रुक जाओ। तब माता लक्ष्मी बोली, मैं तो राजा महाराजा के घर में भी नहीं रुकती हूँ, फिर तुम्हारे घर कैसे रुक जाऊँ। तब साहूकारनी ने बलपूर्वक हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया। तब माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। उस दिन के बाद से साहूकार के घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रही और साहूकारनी भी माता लक्ष्मी की भक्त बन गए। तो रोज घर में साफ सफाई करती थी और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी पर कृपा की वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखिएगा, हमारे घर का भंडार हमेशा भरे रहिएगा। तो ये थी माता लक्ष्मी की कथा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज धनतेरस के दिन इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।